नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश तो तीनों राज्यों में मिला, साथ ही उन राजनेताओं को सबक भी मिला जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह कई ऐसे नाम हैं जो हार गए। बोली आवाम दिग्गज धड़ाम, पार्टी को हां नेताओं को ना, जनता ने निकाला दिग्गजों का दिवाला। किस किस की तस्वीर दिखाएं और किसकी हटाएं, बस इतना समझ लीजिए कि पब्लिक ने नेताओं को साफ कर दिया है कि सत्ता में रहना है तो काम करते रहना है, बयान से नहीं काम से मिलेगी कुर्सी। हार की समीक्षा तो लगातार होती रहेगी, पहले जान लीजिए कि जमहूरियत में जनता ने किसके नीचे से खींच ली है सियासी जमीन। मध्य प्रदेश में 31 में से 12 मंत्रियों को पब्लिक ने घर बिठा दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पब्लिक ने उत्तम नहीं माना और वे 7,156 वोट से हार गए। नरोत्तम के अलावा सिंधिया गुट के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव 2,976 वोट, महेंद्र सिंह सिसोदिया 14,796 वोट, सुरेश धाकड़ 49,481 वोट से हार गए। बाकी मंत्रियों में रामखेलावन पटेल 5,890 वोट, राहुल सिंह लोधी 8,117 वोट, भारत सिंह कुशवाहा 3,282 वोट, रामकिशोर कांवरे 25,948 वोट, गौरीशंकर बिसेन 29,195 वोट, प्रेम सिंह पटेल 11,172 वोट, अरविंद भदौरिया 20,228 वोट, कमल पटेल 870 वोट से हार गए। वहीं तीन केंद्रीय मंत्रियों में से एक निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को 9,723 वोट से शिकस्त मिली। चार सांसदों में से एक सतना से गणेश सिंह 4,041 वोट से हार गए। छत्तीसगढ़ में तो मानो हार की सुनामी आ गई हो। भूपेश के भरोसे वाली सरकार के 13 में से 9 मंत्रियों से जनता ने भरोसे की बुनियाद छीन ली। मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव 94 वोट से, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 16,642 वोट से और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज 8,370 वोट से हार गए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पहली बार चुनाव लड़ रहे ईश्वर साहू ने 5,196 वोट से हराया। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले मोहम्मद अकबर 39,592 वोट से हारे। इसके अलावा आरंग से शिवकुमार डहरिया, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, सीतापुर से अमरजीत भगत, कोंडागांव से मोहन मरकाम और कोरबा से जय सिंह अग्रवाल अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। कुल जमा बात यह कि नेता तो हमेशा अपनी पर आते ही रहते हैं, लेकिन पब्लिक जब अपने पर आती है तो सत्ता रुआब रसूख सब कुछ उड़ा ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चार राज्यों के नतीजों में साफ हो गया है कि 2024 के लिटमस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ पूरी तरह से सफल रही बल्कि बम्पर जीत ने अगले लोकसभा चुनावों की तस्वीर के भी संकेत अभी से ही दे दिए हैं। मोदी सरकार की नीतियों, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह के कुशल प्रबंधन के साथ साथ ग्राउंड वर्क ने बीजेपी को यह बम्पर जीत दिलाई है। खास तौर पर अमित शाह ने हर चुनावी राज्य में धरातल पर फोकस किया, हर मुद्दा हर समस्या को लेकर क्षेत्रीय प्रभारियों और नेताओं के साथ सीधा संवाद कायम किया, विपक्ष को मुद्दों पर घेरा और इसी की बदौलत ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना गढ़ बचाया है बल्कि कांग्रेस से राजस्थान और छत्तीसगढ़ को छीन लिया है। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी पर जनता के विश्वास को दिखाती है, ये जीत अमित शाह के कुशल प्रबंधन की तस्दीक भी करती है। चार राज्यों के चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता को कमल का खिलता फूल ही पसंद है। 2024 के चुनावी महासंग्राम से पहले इस चुनावी रण को जीतने में भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेताओं ने न सिर्फ अहम योगदान दिया बल्कि दिन रात एक करके पार्टी को एक सूत्र में पिरोया और क्षेत्रीय नेताओं को इस तरह से ग्राउंड ड्यूटी सौंपी कि विपक्ष को कोई मौका तक नहीं मिल सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पांच राज्यों के उस चुनावी रण में न सिर्फ हर राज्य के क्षेत्रीय नेताओं से सीधी ट्यूनिंग रखी
बल्कि हर मुद्दे को लेकर बारीकी से विश्लेषण और पार्टी की नीति को साफ साफ चुनावी फाइट में लागू करने का काम किया। शायद इसी का नतीजा है कि नतीजों में हर तरफ कमल खिलता दिख रहा है। अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत से ही अमित शाह ने डिफेंसिव पॉलिटिक्स को दरकिनार कर दिया था। मध्य प्रदेश में पार्टी की सरकार थी तो इस गढ़ को बचाना एक अहम लक्ष्य था। ऐसे में अमित शाह ने न सिर्फ तमाम दिग्गजों को पार्टी लाइन के मुताबिक विपक्ष पर तीखे वार करने की नीति पर काम करने को कहा, बल्कि खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक क्षेत्र, एक एक संभाग और एक एक मुद्दे को प्राथमिकता दी और नतीजा सबके सामने है। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस की जीत वाले दावे दूर दूर तक नहीं दिख रहे। मोदी जी का नेतृत्व सर्वांगीण विकास और विकास की गारंटी है। तो महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चों को रोजगार है, बुजुर्गों का सम्मान है और जो परेशानी है, गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस शासन करती रही कि आज गरीबी नहीं हटा पाई। आज गरीबों को 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। देखिए, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये स्पष्ट हो गया है। और भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ हिमालय की चोटी और दूसरी तरफ कांग्रेस की नियत है खोटी, इसीलिए उन्हें नकारा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में जो परिक्रमा की पॉलिटिक्स को उसको पछाड़ करके परिश्रम को परिणाम में परिवर्तित करने वाले माहौल को खड़ा किया है और इसमें जनता उन्हीं के साथ है जिन्हों की परिक्रमा की पॉलिटिक्स से दूर परिश्रम और परिणाम को प्राथमिकता देते रहे। अमित शाह ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी को जीत दिलाने की खातिर दिन रात एक एक क्षेत्र का विश्लेषण कर ग्राउंड जीरो पर स्थिति की सच्चाई को प्राथमिकता दी। जहां कमजोरी दिखी वहां करेक्शन किए, बूथ जीतो, सीट जीतो के सूत्र के साथ एक एक कार्यकर्ता को आखिरी वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य दिया और हर मुद्दे पर अमित शाह ने मुखर होकर विरोधियों पर तीखे वार किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने 18 साल में किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, युवा, हरेक के कल्याण के लिए काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, 18 साल हो गए, सबको याद नहीं होगा, 18 साल पहले बंटा धार की सरकार थी तब हर गांव में बिजली आती थी क्या? रोडों की स्थिति ऐसी थी क्या? सिंचाई की व्यवस्था हुई थी क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने जब जब शासन मिला अपने घर भरने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम। इस सबके बीच जो सबसे अहम फैक्टर रहा वो था राजनीति के चाणक्य के माने जाने वाले अमित शाह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट। उम्मीदवारों से लेकर मुद्दों तक, स्थानीय समीकरण से लेकर कमजोर कड़ियों तक, एक एक पहलू को वक्त रहते न सिर्फ पहचाना गया बल्कि बूस्टर डोज देने में भी देर नहीं की गई। अमित शाह ने हर अहम सीट पर खुद मोर्चा संभाला। भले ही मध्य प्रदेश की चुनावी चुनौती हो या फिर राजस्थान करण या छत्तीसगढ़ की चुनावी लड़ाई, अमित शाह ने अपने प्रबंधन के जरिए सब कुछ साधा और आखिरकार जीत की दहलीज पर कमल की दस्तक हुई। अरे भूपेश बघेल सरकार, ना उनको आदिवासियों के कल्याण की पड़ी है, ना पिछड़ा वर्ग के कल्याण की पड़ी है, ना गरीब के कल्याण की पड़ी है। इन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम ये भूपेश बघेल सरकार ने। हर राज्य में संभाला मोर्चा, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे, एक एक सीट से फीडबैक, एक एक बूथ का विश्लेषण, स्थानीय मुद्दों पर फोकस, कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच, आखिरी बूथ तक मजबूती दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में उन्होंने परिश्रम किया है और लोगों की जो एक बॉन्डिंग उनके साथ है वो केवल अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार जनमानस में उनके प्रति बन गया है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है। मैं सभी राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है
उन सबको मैं बधाई देता हूँ। सामान्य विजय नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बढ़त हुई है भाजपा की। राजस्थान में अनुमानित जो था, लोगों को लगने लग गया था, आपके पत्रकार बंधु जिस प्रकार से बात कर रहे थे, वो सब ट्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में आप सब ने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार की शानदार विजय भाजपा की हुई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग सभाओं में स्पष्ट देखने को मिलता था, तेलंगाना में भी आप देखिए जिस प्रकार से बढ़त भाजपा की हुई है। पिछली बार तो हम एक सीट पे थे। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की, मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा, आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई, जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो ये इस तरह चिपका है कि महादेव आपके बाद तो और चिपका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बेहद अहम है। इन राज्यों में बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह ने न सिर्फ मजबूत कोर ग्रुप तैयार किया बल्कि हर राज्य के प्रभारी नेताओं से सीधा संवाद रखा, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक सीट का विश्लेषण किया और हर स्थानीय मुद्दे पर काम किया गया। साफ है कि ये जीत न सिर्फ 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, बल्कि कांग्रेस के खिसकते जनाधार पर और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगी। अमित शाह ने न सिर्फ इन चुनाव में एक मजे हुए राजनेता, एक कुशल प्रबंधक और शानदार रणनीतिकार होने का सबूत दिया, बल्कि साफ कर दिया कि आखिरी बूथ तक फोकस रखने की उनकी रणनीति एक बार फिर कारगर साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हारी हुई सीटों पर समीक्षा के साथ ही लोकसभा चुनाव पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा की 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। वीडी शर्मा ने कहा कि हर बूथ पर मोदी का नारा लेकर बीजेपी आएगी, हर बूथ से मोदी को जिताने का अभियान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि आज हमें गर्व है कि अमित शाह जी ने हमें जो संकल्प दिलाया था और जो टास्क दिया था, आज 51% के वोट शेयर में लगभग 49% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला है। ये एक कार्यकर्ता की उपलब्धि है, चाहे वोट शेयर बढ़ाने की बात हो, चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात हो, तो कार्यकर्ता ने अथक मेहनत की। अब हमारा संकल्प है आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रत्येक बूथ पर, हर बूथ पर मोदी, इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कार्यकर्ताओं ने संभाल ली है। हम सारी समीक्षा करने के बाद जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उन बूथों पर हम कैसे चुनाव जीतेंगे और जिन बूथों पर हम कम मतों से जीते हैं उनमें 10% वोट शेयर कैसे बढ़ेगा, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति, नड्डा जी के आशीर्वाद के साथ संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का, मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व, हम सब मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का हम सब अथक मेहनत परिश्रम से सभी कार्यकर्ता जुटेंगे। इधर बीजेपी के कुछ जीते हुए प्रत्याशियों ने भी मंत्री पद की लालसा जाहिर की। दरअसल एमपी में बीजेपी के 163 सीटों में से सीधी जिले की भी 3 विधानसभा सीट शामिल है, जहां से जीते हुए प्रत्याशियों ने मंत्री पद की इच्छा भी जाहिर कर दी है। इनमें से सीधी पाठक, सीधी सांसद रीति पाठक और सिहावल विधानसभा सहित दोहनी विधानसभा सीट के प्रत्याशी शामिल हैं। सांसद रीति पाठक ने जीत का श्रेय पीएम मोदी और पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हुए
मंत्री पद की इच्छा जाहिर की। हालांकि आगे का फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया है। वहीं सिहावल से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को पराजित करने वाले विश्वामित्र पाठक ने भी मंत्री पद की लालसा जाहिर कर दी है। लालसा तो होनी चाहिए, अगर मैं व्यक्ति हूँ, इंसान हूँ तो होनी ही चाहिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अगर मैं कहूँ तो मैं किसी होड़ में नहीं हूँ, किसी दौड़ में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आदेश, भारतीय जनता पार्टी का निर्देश ही मेरे लिए सर्वोपरि है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं उसी में अपने आप को सहज महसूस। खूब हमारी जनता जनार्दन को जितना उत्सुकता है उतना हमको भी है जी। हमारी क्षेत्र की जनता चाहती है जी कि हम मंत्री को हराए तो मंत्री बने। रतलाम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। रतलाम बीजेपी प्रत्याशी चेतन कश्यप ने लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी यहां 60,000 से ज्यादा मतों से जीती है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोगों ने जश्न मनाया। जश्न के बीच विधायक जी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी ढोल की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। कश्यप ने इस बार मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और उज्जैन संभाग से उन्हें मंत्री पद के मामले में प्राथमिकता मिलने की पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत है और भारतीय जनता पार्टी का मतलब स्पष्ट है कि यह कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के ऊपर चलती है और जो रतलाम की जीत है यह भी हमारे कार्यकर्ताओं का जो समर्पण है उसी का नतीजा है, तथा जो मध्य प्रदेश की जीत है वह जीत में भी हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान की संवेदनशील व कल्याणकारी योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।